वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा क्लास स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर की, और आज है 14 नवंबर यानी बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे। तो ये क्वेश्चन भी आज की क्लास में होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है 14 नवंबर का भी। ओके, तो बेटा आज के दिन जितने भी क्वेश्चन बने होंगे करंट अफेयर के, वो सारे क्वेश्चन हम आज सोल्व करेंगे आपके सामने। ओके, विद स्टैटिक पॉइंट। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास अपनी। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कौन से देश ने फ्रेंच बायोटेक कंपनी द्वारा बनाई गई चिकनगुनिया की वैक्सीन को लगाने की मंजूरी दे दी है? विच कंट्री हैज अप्रूव्ड द यूज ऑफ चिकनगुनिया वैक्सीन मेड बाय ए फ्रेंच बायोटेक कंपनी? तो बेटा इसको अप्रूव कर दिया है, कौन से देश ने इसको अभी परमिशन दे दी है अपने देश में इसको लगाने की? तो चाइना, अमेरिका, भारत या रसिया? तो क्या बताएंगे आप लोग, सोचा आप लोगों ने क्वेश्चन का आंसर? चलो मैं आपको बता दूं, देखिए इसका आंसर है बेटा अमेरिका। अमेरिका ने ये मंजूरी दे दी है अपने देश के अंदर कि ये आप लगा सकते हो, है ना। इस वैक्सीन का नाम है IX, वैक्सीन का नाम क्या बेटा? IXCHIQ, XCHIQ, है ना। ये किसके द्वारा बनाई गई है? फ्रेंच बायोटेक कंपनी के द्वारा बनाई गई है। अमेरिकी वैज्ञानिक इसमें लगे हुए थे। इस वैक्सीन का नाम है XCHIQ, ठीक है, कहीं कहीं XCHIN भी इसको बोला गया है। ओके, ये वैक्सीन है। ये कब, ये कितने साल से ऊपर के बच्चों को लग सकती है, आदमियों को लग सकती है? 18 वर्ष से ऊपर के जो भी आदमी है, महिला है, पुरुष है, उनको सबको ये लगाई जा सकती है। ओके, देखिए वर्ल्ड में सबसे पहले चिकनगुनिया का जो फर्स्ट जो केस था वो तंजानिया में आया था बेटा। पहला चिकनगुनिया का मामला किधर आया था? तंजानिया में। तंजानिया इज अ कंट्री ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो बेटा तंजानिया में आया था पहला इसका मामला इन 1952। बेटा भारत में कब आया? भारत में 1963 में इसका फर्स्ट केस आया, ठीक है, फर्स्ट मामला इसका इंडिया में 1963 में आया। बेटा मच्छर के काटने से होता है चिकनगुनिया, बुखार होता है, हाथ पैरों में दर्द होता है, जोड़ों में, हड्डियों में दर्द बना रहता है काफी दिनों तक। ओके, तो वैक्सीन XCHIQ ये बना दी गई है किस कंपनी के द्वारा? बेटा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखना, किस कंपनी के द्वारा बनाई गई? फ्रेंच बायोटेक कंपनी के द्वारा। अमेरिका ने इसको लगाने की मंजूरी भी दे दी है अपने देश में। तो ओके, तो बेटा ये क्वेश्चन है अमेरिका के बारे में। थोड़े से मैं स्टैटिक पॉइंट आपको मैं आपको बताऊं, सुनिए ध्यान से। अमेरिका बेटा देखो, वैसे तो अमेरिका को आप लोग सब जानते हैं, दुनिया में सबसे पावरफुल कंट्री है अमेरिका, है ना। फिर रसिया वगैरह ये जो कंट्री है, ये फिर सेकेंड नंबर पर आप इनको रख सकते हो। अमेरिका की कैपिटल कौन सी होगी? Washington DC। और अमेरिका के अंदर ही बेटा वर्ल्ड बैंक है। कौन सा? वर्ल्ड बैंक। अमेरिका के अंदर ही IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये सब, ठीक है। अमेरिका के अंदर ही बेटा UNO, ये सब संस्थाएं अमेरिका के अंदर हैं, है ना। अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अमेरिका, मिसोरी, या आप मिसिसिपी भी कर सकते हो, मिसिसिपी, ये सेकंड लॉन्गेस्ट है। फर्स्ट लॉन्गेस्ट है मिसोरी। मिसोरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अमेरिका, सेकंड लॉन्गेस्ट होगी मिसिसिपी। लेकिन कई सारे क्वेश्चन में बेटा मिसोरी की जगह ऑप्शन में मिसिसिपी डालता है, इसलिए मैंने मिसिसिपी भी आपको बता दी है, जो कि लॉन्गेस्ट है अमेरिका देश में, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। ओके, अमेरिका के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बेटा सुपीरियर, ठीक है। सुपीरियर इज द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, सुपीरियर अमेरिका के अंदर है। अमेरिका के अंदर होमस्टेक इज द गोल्ड माइन। अमेरिका के अंदर सोने की खान का नाम है होमस्टेक। यहीं पर लोहे की खान कौन सी बेटा? मैसाबी, ठीक है, मैसाबी, ये अमेरिका में बहुत बड़ी लोहे की खान है। अमेरिका में प्रेरी ग्रासलैंड एरिया है, प्रेरी घास भूमि,
प्रेरी घास भूमि अमेरिका में बहुत बड़ी घास भूमि है, इट इज द टेम्परेट ग्रासलैंड एरिया। देखो बेटा, प्रेरी घास भूमि में गेहूं की खेती बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसको बाउल ऑफ व्हीट भी कहा जाता है अमेरिका के अंदर। अमेरिका में बाउल ऑफ व्हीट किसको बोलते हैं? प्रेरी को बोलते हैं, ध्यान रखना। अमेरिका में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी होगी? लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज यहां पर आप रॉक की करोगे बेटा, लॉन्गेस्ट और बिगेस्ट, रॉक की माउंटेन रेंज। हाईएस्ट पीक कौन सी होगी बेटा? माउंट मैककिनले, माउंट मैककिनले ये हाईएस्ट पीक है बेटा नॉर्थ अमेरिका में, है ना। न्यूयॉर्क, जो न्यूयॉर्क सिटी है वो हडसन नदी के किनारे पर है। अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी कौन सी नदी के किनारे बेटा? हडसन नदी के किनारे पर है, ठीक है, ये बच्चे ध्यान रखना वहां पर आप लोग। ओके, तो ये क्वेश्चन थे बेटा अमेरिका के कुछ स्टैटिक पॉइंट है। वहां की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, ओके, और जो बाइडेन वहां पर राष्ट्रपति है, ठीक है, ये स्टैटिक पॉइंट हो गए। डॉलर वहां पर चलता है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य बनेगा? विच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू एडॉप्ट यूनियन सिविल कोड, है ना, यूसीसी आप इसको बोल सकते हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक देश एक कानून, एक देश एक कानून, ये बहुत ही अच्छा बिल है बेटा, क्योंकि हमारे देश के अंदर विभिन्न तरह तरह की जातियों के धर्मों के आदमी रहते हैं, तो कभी ये इसमें किसी के भी प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार न हो जाए कभी, है ना, उसकी जाति को लेकर, उसके धर्म को लेकर, इसलिए सबको एक समान समझा जाए, इसलिए ये बिल लाया गया है। और हमारे देश में ये सबसे पहले, ये कौन से राज्य में लाया जाएगा? अभी उत्तराखंड के अंदर। अभी जो पूर्व हमारे जो चीफ जस्टिस थी रंजना देसाई, उनकी एक समिति बनी गई थी कुछ दिन पहले, उस समिति ने ये रिपोर्ट तैयार कर ली है, और अभी ये उत्तराखंड के अंदर यूसीसी कोड जो है बिल, वो लागू हो जाएगा। कहां पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के जो सीएम है बेटा, आप देख रहे हो अभी, ये कौन है? ये कौन है? पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह, गुरमीत सिंह ये गवर्नर है उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड की राजधानी कौन सी बेटा? देहरादून, देहरादून। अच्छा, एक तो देहरादून है, एक गैरसैंण भी बना दी गई है बेटा, देखो देहरादून और एक गैरसैंण, ये दो राजधानियां हैं उत्तराखंड की, देहरादून और गैरसैंण। गवर्नर है गुरमीत सिंह और सीएम है पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के अंदर सभी ताल नामक जो झीलें, जैसे नैनीताल, देवताल, राक्षसताल, सात ताल, माला ताल, खुरपाताल, भीमताल, ये सारी ताल किधर हैं? उत्तराखंड के अंदर है बेटा, ठीक है। यहीं पर गोमुख गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती है, यहीं से सतोपंथ ग्लेशियर उत्तरकाशी से, वहीं से अलकनंदा नदी निकलती है। अलकनंदा नदी भागीरथी में जाकर मिल जाती है, कहां पर मिलती है? देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से जो सिंगल रिवर फ्लो होती है, उस नदी का नाम होता है गंगा, ओके, आफ्टर देवप्रयाग, ठीक है। गंगा के किनारे सबसे बड़ा शहर है कानपुर, जिसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर सिटी कहा जाता है। गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी होगी? घाघरा, बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर घाघरा, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर यमुना, ओके। गंगा की बहुत ही बड़ी सहायक नदियां जो नेपाल से आती हैं, वो मैं आपको बता दूं एक बार, घाघरा। घाघरा को बेटा कर्णाली भी बोलते हैं, घाघरा को ही कोरियाला भी बोलते हैं, जो नेपाल से आती है, है ना। कोसी नदी, ये भी गंगा में मिलती है, है ना, बिहार में आकर, और बिहार में ये बड़ी तबाही लेके आती, बिहार का शोक बोलते हैं कोसी नदी को, ओके, सुनते जाओ बेटा, क्योंकि लिखने में इतना नहीं आएगा, मैं फटाफट बोल देता हूं, काफी सारे स्टैटिक पॉइंट होते हैं। कोसी नदी बेटा सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है, सबसे ज्यादा रूट चेंज करती है, बिहार में तो हर साल बाढ़ लेके आती, इसलिए बिहार का शोक बोलते हैं, सोरो ऑफ बिहार, किसको बोलते हैं? कोसी को बोलते हैं। गंडक नदी भी नेपाल से आती है, बूढ़ी गंडक भी, बागमती नदी भी, ये सारी नेपाल से आती हैं।
पिछली बार दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन में पूछा था कि नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के किनारे पर है, तो बेटा वो है आंसर बागमती। ठीक है, काठमांडू बैंकोन बागमती रिवर। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पिछले ही साल सीएचएसएल में पूछा गया था कि नेपाल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। नेपाल की सबसे बड़ी नदी है बेटा घाघरा। ओके, कैपिटल कौन सी है, काठमांडू। ओके, तो बेटा ये हो गए कुछ हमारे नदियों के क्वेश्चन, उत्तराखंड से जो नदियां निकलती हैं उनकी ट्रिब्यूटरी। चलो मैं, अच्छा मैं आपको ये और बताऊं, उत्तराखंड के अंदर ही केदारनाथ है, उत्तराखंड के अंदर ही अपना बद्रीनाथ भी है। बद्रीनाथ विष्णु जी का टेम्पल है, केदारनाथ शिव जी का टेम्पल है। केदारनाथ बैंक ऑन मंदाकिनी रिवर, केदारनाथ बेटा मंदाकिनी नदी के किनारे पर है, और जबकि बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे पर है। ये चीजें ध्यान रखना, सभी पॉइंट को बेटा जो मैंने बोला है सबको नोट कर लेना। ओके चलो, अच्छा उत्तराखंड की बात है तो मैं कुछ आपको नेशनल पार्क भी वहां पर बताऊं। यहां पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है बेटा, दुनिया का, यानी दुनिया का नहीं, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। अब उसका नाम चेंज हो गया बेटा, राम गंगा नेशनल पार्क हो गया अब उसका। ठीक है, यहीं पर राजा जी नेशनल पार्क है, राजा जी, और यहीं पर नंदा देवी नेशनल पार्क है बेटा, नंदा देवी। यहीं पर फूलों की घाटी चमोली है ना। नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी को भी बोलते हैं, सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी का नाम नंदा देवी है, नंदा देवी वहां पर नेशनल पार्क भी है। ओके, ये थे स्टैटिक पॉइंट उत्तराखंड के। यहां पर गढ़वाली, भूटिया है ना, कुमायुनी, ये सारी ट्राइब्स रहती हैं, नीति, माना, ये सारी ट्राइब्स हैं। यहां पर पास भी हैं, दर्रे भी हैं, जैसे नीति पास, माना पास है ना, ये सभी वहां पर पासेज हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। अमेरिका के न्यूयॉर्क में किस भारतीय त्योहार पर पहली बार सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया बेटा, दिवाली। दिवाली त्योहार पर मनाने पर उधर सरकारी छुट्टी की घोषणा कर दी गई, जिसके लिए वहां पर रह रहे भारतीय काफी सालों से वहां पर वो इंतजार कर रहे थे, डिमांड उठा रहे थे कि वहां पर सरकारी छुट्टी घोषित की जाए दिवाली वाले दिन। शहर कौन सा, न्यूयॉर्क सिटी में। ठीक है, देश कौन सा, अमेरिका। अमेरिका के स्टैटिक पॉइंट में आपको बता ही चुका हूं बेटा अभी। ओके तो बच्चे ध्यान रखना, अमेरिका के ऊपर बड़ी कंट्री कौन सी है, कनाडा। अमेरिका के ठीक नीचे बड़ी कंट्री कौन सी है, मेक्सिको। मेक्सिको में दुनिया की सबसे ज्यादा सिल्वर का उत्पादन होता है, दुनिया की सबसे ज्यादा चांदी मेक्सिको के अंदर होती है, बच्चे ध्यान रखना। ओके, अमेरिका के पास वहीं पर दुनिया का सबसे एक्टिव वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो, दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत अमेरिका के पास ही है बेटा, पैसिफिक ओशन में, जिसको बोलते हैं किलायू, ऐसे भी लिख सकते हो किलायू। और वहीं पर है मोनालोवा। ये दोनों के दोनों, किलायू और मोनालोवा, ये हवाई द्वीप पर है बेटा, हवाई द्वीप पर है। हवाई द्वीप पर है बेटा अमेरिका के अंदर, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में माने जाएंगे, पैसिफिक ओशियन में, दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत किलायू। ओके तो ये हो गए स्टैटिक पॉइंट। दीपावली के दिन वहां पर सरकारी छुट्टी रहेगी अब से। ओके, न्यूयॉर्क शहर के अंदर, बच्चे ध्यान रखना, अच्छा पॉइंट है। न्यूयॉर्क कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, न्यूयॉर्क सिटी बसी है हडसन नदी के किनारे पर। कौन सी नदी, हडसन नदी। ओके चलो क्वेश्चन नंबर फोर। हाल ही में किसे भारत के महासर्वेक्षक के पद के रूप में नियुक्त किया गया। महासर्वेक्षक का जो पद है बेटा, ये भारत में ये कब से स्टार्ट किया गया था, इसका जो डिपार्टमेंट है, सर्वेक्षक का जो डिपार्टमेंट है, 1767 से डिपार्टमेंट, सर्वे ऑफ इंडिया, क्या बोलते हैं, सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया, ये कब स्टार्ट किया गया, 1767 में। और इसका आंसर क्या है बेटा, इसका आंसर है अभी हितेश मकवाना। ओके, मैं थोड़ा सा और बताऊं, 1861 में क्या हुआ था, देखो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। 1861 में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बना दिया गया था घर के, अपने देश के डिपार्टमेंट नहीं, सॉरी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, लिख दूं
लॉजिकल, आर के लॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये कब बना था? 1861 में। हेड कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम। ओके, एक अंग्रेज को बनाया गया था, क्योंकि उस समय भारत में रेलवे लाइन का निर्माण चला हुआ था, तो सिंधु घाटी सभ्यता कि में जो ईंटें जो बिछा रखी थी वो ईंटें निकलने लगी, रेलवे लाइन का निर्माण चला हुआ था तो तब। ओके, तो उनका सर्वे वगैरह किया गया तो पता चला कि ये तो कोई सिविलाइजेशन है, और उसी में इंटरेस्ट था किसका? अलेक्जेंडर कनिंगम का। ओके, इसलिए अलेक्जेंडर कनिंगम बेटा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड बनाए गए थे उस वक्त, ठीक है। लेकिन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कब बना था? आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट 1905 में जाकर ये बन के तैयार हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने बनवाया था। ओके, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है ना। तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बनवाया था, जिसमें उसने जॉन जॉन मार्शल को इसका हेड नियुक्त किया था। जॉन मार्शल को, जॉन मार्शल ने बेटा दो टीम अपनी बनवाई थी। एक टीम के हेड थे कौन? दयाराम साहनी। दूसरी टीम के हेड कौन थे? राखल दास बैनर्जी। तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज कर दी दयाराम साहनी ने, और 1932 में मोहनजोदड़ो की खोज कर दी आरडी बैनर्जी ने, राखल दास बैनर्जी ने। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। वैसे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता ही उसका असली नाम है, क्योंकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया, इसलिए उसको हड़प्पा सभ्यता भी हम बोलते हैं। हड़प्पा की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी, और मोहनजोदाड़ो जो कि ओल्डेस्ट है, जो कि बड़ा है, उसकी खोज किसने की थी? 1932 में की थी, सॉरी 1922 में की थी आर डी बैनर्जी ने, 1922 में आर डी बैनर्जी, राखल दास बैनर्जी ने। ओके, तो इस तरह से ये पॉइंट है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में कनिंगम ने इसकी स्थापना की थी बेटा, कनिंगम ने इसकी शुरुआत कर दी थी, अलेक्जेंडर कनिंगम। ओके, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है हितेश मकवाना। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाल ही में किन दो देशों के बीच बोगोर सागर नौसेना अभ्यास हुआ है? रिसेंटली बोगो सागर नेवल एक्सरसाइज टुक प्लेस बिटवीन विच टू कंट्रीज? आंसर इज भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश बेटा, उत्तरी यानी नॉर्थ बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल सी, उत्तरी बंगाल सागर में हुआ है बेटा ये, ठीक है। भारत में, भारत की तरफ से INS कुठार ने भाग लिया, और भारत की तरफ से INS कुलटार, सुनिए मैं लिखता हूं, INS किल्टार करो, INS किल्टार, ठीक है, इसने भाग लिया। ये दो हैं, INS किल्टार, INS कुठार ने इसमें भाग लिया। एक जो गश्ती विमान है, जो कि जहाज जो चक्कर लगाता है, डोरनियर, उसने भी भाग लिया बेटा, डोरनियर। तो तीन हमारे जहाजों ने इसमें भाग लिया था, INS किल्टार, INS किल्टार और INS कुठार और डोरनियर, ये तीन जहाजों ने इसमें भाग लिया था। किसमें? किसमें? बोगो सागर नौसेना अभ्यास में, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ। ओके, बात समझ में आ गई। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखिए, बांग्लादेश की राजधानी ढाका आप जानते हो, इसको मैं हिस्ट्री से रिलेट कर सकता हूं बेटा। ढाका एक ऐसी जगह है जहां पर सबसे पहले मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में ही हुई थी, सलीम उल्ला खान और आगा खान की लीडरशिप में। ओके, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में बाई सलीम उल्ला खान एंड आगा खान, ठीक है, इन ढाका, ढाका में की गई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर बहुत सारे पॉइंट में स्टैटिक पॉइंट बता सकता हूं, जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा सुंदरबन का डेल्टा बांग्लादेश में ही बनाती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, तीन नदियां मिलकर। बहुत सारी बुक्स में बहुत सारे टीचर भी ये बताते हैं कि सुंदरबन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बनाती हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि मेघना नदी भी वहां पर ऐड होती है। ओके बच्चे, ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के कौन से जहाज को सेवा से मुक्त कर दिया गया है? रिसेंटली विच शिप ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड हैज बीन डिकोमिशन्ड? तो बेटा ये कर दिया गया है, मतलब सेवानिवृत्त हटा दिया गया है बेटा, डिकमिशन्ड किसको लिखेंगे बेटा, डिकमिशन्ड इसको कर दिया गया, सेवा से हटा दिया गया है बेटा। आंसर है संग्राम। इससे पहले एक और जहाज हटाया था बेटा, समर, समर जहाज इससे पहले हटाया था, अब हमने संग्राम को भी
छुट्टी दे दी है, काफी समय से इसने सेवा कर ली है, तो संग्राम को भी सेवानिवृत्त डीकमिशन्ड हमने इसको कर दिया है। ओके, तो बेटा ये भारतीय तट रक्षक जो बल होता है अपना, इसके बारे में आपको बात करूं, भारतीय तट रक्षक बल की स्थापना कब हुई थी बेटा भारत के अंदर? भारतीय तट रक्षक बल की स्थापना 1977 में हुई थी, और इसके अभी महानिदेशक कौन है? राकेश पाल है। महानिदेशक कौन है? राकेश पाल। इसके इसका हेड ऑफिस किधर है? हेड ऑफिस किधर है बेटा? दिल्ली में, ठीक है ना, हेड ऑफिस नई दिल्ली के अंदर है इसका, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, अच्छा, जो तट रक्षक होते हैं ना इंडिया के, जो कोस्टल एरियाज होते हैं उनकी रक्षा करते हैं ये। तो अभी किसने, किसको हमने सेवानिवृत्त किया है, डीकमिशन्ड किसके को किया है? संग्राम को। इससे पहले किसको किया था? समर को। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है भाई? विच डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 14th नवंबर? आंसर इज चिल्ड्रंस डे, डायबिटीज डे, या टीचर्स डे, या डी, बोथ ऑफ, बोथ ए एंड बी। आंसर इज ए एंड बी। आंसर इज डी, क्योंकि आंसर, क्योंकि 14 नवंबर को बाल दिवस भी बनाते हैं, चिल्ड्रंस डे बोले तो बाल दिवस। इसी दिन डायबिटीज डे भी मनाया जाता है भाई। ओके, बात समझ में आ गई। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताऊं, जो ये जो अपने भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जवाहरलाल नेहरू, इनका जन्म 1889 में हुआ, मृत्यु 1964 में हुई भाई, ये था। अच्छा, प्रधानमंत्री 1947 से 1964 तक ये प्रधानमंत्री रहे। सबसे लंबे समय तक भारत में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही रहे। इनको प्यार से चाचा नेहरू बच्चे बोला करते थे। ओके, तो ये क्वेश्चन है इनके बारे में। अच्छा, डायबिटीज के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं, सुनिए बेटा, जो जो डायबिटीज होता है वो इंसुलिन की कमी से हो जाता है, और डायबिटीज डे मनाया जाता है हर साल 14 नवंबर को। 19 थोड़ा सा मैं इंसुलिन के बारे में बात बताऊं, 1992 में सर फ्रेडरिक वेटिंग, फ्रेडरिक वेटिंग और चार्ल्स बेस्ट, इन दोनों ने मिलकर इंसुलिन की खोज की थी बेटा, ध्यान रखना। 1992 में फ्रेडरिक वेटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने मिलकर इंसुलिन की खोज की थी, जिससे टीका लगाते हैं, इंसुलिन लगाते हैं, जिसको डायबिटीज होती है, जिससे डायबिटीज कंट्रोल होती है। ओके, इंसुलिन की कमी हो जाती है तो बेटा डायबिटीज बढ़ जाती है, ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित कर सकते हैं इंसुलिन से। तो बेटा ये क्वेश्चन था हमारा, 7वां कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 9 नवंबर को कौन से राज्य का स्थापना दिवस हुआ था भाई? 9 नवंबर को विच स्टेट फाउंडेशन डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 9th नवंबर? आंसर इज उत्तराखंड। उत्तराखंड बना बेटा। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊं इस क्वेश्चन से संबंधित, क्योंकि देखो ये कब बना था, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताऊं, 9 नवंबर सन 2000 में कौन सा बना था? उत्तराखंड बना था, ठीक है, क्योंकि सन 2000 की बात है तो बेटा इसी में, सन 2000 में और नवंबर में ही दो और राज्य बने थे। मैं आपको सबके बारे में बताऊं, तीनों के बारे में सुनिए। 1 नवंबर सन 2000 में कौन सा बना था बेटा? छत्तीसगढ़ राज्य बना था, छत्तीसगढ़ एमपी से अलग होकर। 9 नवंबर सन 2000 को अभी हमने पढ़ा उत्तराखंड, कौन सा? उत्तराखंड। ओके, उसके बाद 15 नवंबर सन 2000 को बना था कौन सा? झारखंड। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन, आज की क्लास कंप्लीट। 8 क्वेश्चन लेकिन बड़े अच्छे क्वेश्चन, इन सबको नोट करते रहना आप, स्टैटिक पॉइंट को जरूर नोट कीजिए बेटा। और जिन बच्चों का कल का एग्जाम है ना, आज का एग्जाम था, कुछ का कल का एग्जाम, उन सबके लिए बेस्ट ऑफ लक दिल्ली पुलिस का एग्जाम के लिए। ओके, क्लासेस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।